हमारे एक ताऊ जी भी गांव में थे, हरदोई में हमारा गांव है, तो वहां पर जो है वो भी बहुत इससे प्रभावित होते थे कला से, और वो हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो गांव में खेत का काम, खेती में जाते थे किसानी करने के लिए, खेत जोतने जाते थे, तो वो ऐसे ही बिना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्हें आल्हा का बहुत शौक़ था, तमाम दूसरे लोगों से प्रभावित हुए और वो वीर रस में आल्हा गाते थे। तो एक बार का वाक्या है, याद आ गया कि वो तमाम हमारे पिताजी हमें बताया करते थे कि, और दूसरे लोग गांव कहते थे कि, एक बार ये लोग गए थे गंगा जी पे, तो वहाँ से जल ले करके आ रहे थे, तो रास्ते में रात हो गई एक गांव में, तो वहाँ पर अंधेरे में सब लोग रह गए कि कल सुबह चलेंगे, अब अंधेरा हो गया यहाँ रहते हैं, तो ये गांव के चौपाल पे ये लोग बैठे हुए थे, तो अंधेरा हुआ था गांव में, देहात में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उस दौरान उनके से साथी जो थे उन्होंने कहा कि ये आपके होते हुए देखो अंधेरा है, तो कुछ इसके लिए कुछ करवाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ ये कागज़ दीजिए, तो कागज़ जेब में से निकाल के दिया गया उनको, और उन्होंने जो माड़व की लड़ाई जिसमें करिया ठाकुर के नाम से एक लड़ाई हो है, उदल आला की लड़ाई जो, उसको उन्होंने गाना शुरू किया, तो इतना जोश में शुरू किए कि वहाँ पर जब रात का समय था तो आवाज़ बड़ी दूर तक पूरे गांव के अंदर घुस गई थी, तो वहाँ पर तमाम लोग जो है इकट्ठे हो गए पूरा गांव, और थोड़ी देर में ही वहाँ लाइट की व्यवस्था कर दी गई, उनके खाने पीने की सारी सबकी व्यवस्था कर दी गई, और इतना मंत्रमुग्ध होकर पूरी रात लोगों ने उनका आल्हा सुना और गाया, उसे सराहा, तो वो वीर रस में गाते थे जिस तरीके से, तो उससे लोग बहुत प्रभावित होते थे, तो उस तरीके से वो रास्ते में भी गाते हुए लोग उनसे कह देते थे चलो हमको सुना दो, थोड़ा समय हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, तो जोश में आके जब गाते गाते वो रास्ते पर दीवार ऐसे हाथ मार देते तो उनके हाथ फट जाते थे जोश में आकर के, गाते गाते इतना वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो उन्हें होश नहीं रहता था कि कितना उनको चोट लगी क्या नहीं, लेकिन वो अपने धुन में गा ही चले जाते थे, वो उनके हाथों से खून बहता रहता था लेकिन उसकी परवाह नहीं, और उनको अपने कला से केवल उसको गाने से उनको मतलब रहता था, तो इस तरीके का भी उनका रहा है, वो ये इस तरीके से कलाकार तमाम इस तरीके से हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं जैसे कोई, वो तो नहीं हो सकते लेकिन उनके जैसे, क्योंकि गुजर चुके हैं, उनके जैसे कुछ हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम 21, 22, 23 को हम ऐसे कलाकार कुछ ला करके उनका यहाँ पर हम मंचन करवाएंगे, जो गांव में किसानी करते हैं, खेती करते हैं, यही साधन है दिन भर काम करना, और फिर रात में अपने मनोरंजन के लिए अपने साथ सहयोगियों के साथ मिल करके वो टीमबद्ध होकर गाते और बजाते हैं, ऐसे लोगों को हम ले करके इसमें इनका कला का प्रदर्शन हम करवाएंगे 21, 22, 23 फरवरी को, और हमारा सबसे अपील है कि सब लोग आएँ और इस कार्यक्रम को देखें, CITU गाज़ियाबाद और दिल्ली जननाट मंच दोनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं, 21, 22, 23 फरवरी के कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, हमारा प्रयास होगा कि हम तमाम कलाकारों को ला करके यहाँ पर लोगों के बीच में, जो मजदूर वर्ग की एकता और तमाम कलाकारों का ये संस्कृति का संगम एक ऐसा हो कि आगे भी हमारा और ये रिश्ता मजबूत होता चला जाए, कि हम समाज बदलने में दोनों मिलकर के जन्म के साथी और CITU के साथी मिलकर के हम अच्छा योगदान कर सकें, और आगे हम समाज में परिवर्तन के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकें।